हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम घर में ही कंडेंस मिल्क बनाएंगे। दिवाली फेस्टिवल नज़दीक आ रहा है और उसके लिए हम घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उन मिठाइयों में हम कंडेंस मिल्क का बहुत सारा यूज़ करते हैं, इसलिए आज हम घर में ही कंडेंस मिल्क बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं। जिसके लिए मैंने ये कढ़ाई में 500 ml मिल्क लिया है, जिसे मैं अभी बॉईल करने के लिए रखती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है। ये 500 ml मिल्क है, जिसमें हम ये 1 कप शुगर डालेंगे। और शुगर मेल्ट होने तक इसे हिलाते हुए दूध को बॉईल करेंगे। ये हमारा दूध बॉईल होके थोड़ा सा ठीक हो चुका है, पर हमें इससे भी ज़्यादा ठीक चाहिए, इसलिए हम इसे और 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारा दूध अभी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका थिकनेस परफेक्टली आ गया है जितना हमें चाहिए। गैस की फ्लेम मैं लो करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मिल्क का थिकनेस, और उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, येलो हो गया है थोड़ा सा कलर। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। हमारा मिल्कमेड बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और उसमें हमें 1 इंच बेकिंग सोडा डालना है। ये गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर ली है और अब हम इसमें ये 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये मैं इसमें डालती हूँ। सोडा डालने के बाद थोड़ा सा फॉग इसमें आ जाएगा और बाद में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा बना है। ये बहुत ठीक और एकदम कंसिस्टेंसी जैसे हमें चाहिए वैसे उसकी बनी है, और कलर भी उसका ये देखो येलोइश हो गया है। हमारा कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रखते हैं। ठंडा करने के बाद मैं वापस से उसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा कंडेंस मिल्क बनके तैयार हो चुका है। हम अभी इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये देखो, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी है। इसका कलर भी शुगर के कैरामलाइजेशन के वजह से बहुत ही अच्छा आया है, और उसका टेक्सचर देखो कितना गुई है। ये देखो, एकदम ही बाहर जैसा मिलता है वैसा ही सेम हमारा कंडेंस मिल्क बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।